वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बार्टेंडर। फ्रेंड्स, आज का कॉकटेल का नाम है गेट सम रोज फॉर मी। आप मेरे लिए कुछ रोज लाइए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, आप गर्लफ्रेंड को देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप गर्लफ्रेंड को दीजिए, अपना वाइफ को देना चाहते हैं दीजिए, बट कॉकटेल के रूप में दीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कुछ यूनिक कीजिए। बाय द वे, अगर आप एक हाउस वाइफ है तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग कॉकटेल है, आराम से बना पाएंगे। फ्रेंड्स, जब भी मैं बनाता हूँ बहुत सिंपल और साधारण किस्म का कॉकटेल बनाता हूँ, सो दैट आप घर में आराम से बना पाए। आज का कॉकटेल भी वैसा ही कुछ है और उसका नाम, जैसे कि मैंने रखा हूँ, गिव्स रोज फॉर मी। लेट्स मेक द कॉकटेल। बहुत सिंपल है। पहले आपको एक शेकर लेना चाहिए और शेकर में आपको सब कुछ इंग्रेडिएंट्स मतलब वन बाय वन डालना है। फ्रेंड्स, इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ग्राफी के साथ कॉकटेल्स इंडिया का टाई अप हुआ है और वहां से हम लोग लॉन्च किया है एक वंडरफुल बारटेंडिंग कोर्स। अगर आप इंटरेस्टेड है अबाउट बारटेंडिंग तो प्लीज वो कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो मिलते हैं बारटेंडिंग बूट कैंप। बाय द वे, अगर आपके पास शेकर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से ऐसा कुछ डब्बा यूज कर सकते हैं जो यू नो ऊपर में ढक्कन हो जाए, तो आप यहाँ पर डाल के आप इसको कवर करके फिर शेक करके कॉकटेल बना सकते हैं। बट मैं नसीब वाला हूँ, मेरे पास शेकर है तो मैं शेकर में बनाऊंगा। चलिए, तो पहले इसमें क्या डालेंगे, पहले हम लोग डालेंगे मिंट लिप्स। जी हाँ, ये है मिंट लिप्स और मैं इसको अंदर में डाल दूंगा, इतना सा ही काफ़ी है, मतलब ज़्यादा नहीं चाहिए। और इसको थोड़ा क्लैप कर दीजिए सो दैट इसका जो एरोमा है वो निकल जाए और अंदर में डाल दीजिए। अब इसके बाद आपको देना है रोज़ सिरप। आफ्टरऑल ये रोज़ से रिलेटेड एक कॉकटेल है तो मैं इसमें 30 ml रोज़ सिरप यूज़ करूँगा। अब ध्यान कीजिए, 30 ml रोज़ सिरप इट्स टू मच स्वीट, बहुत स्वीट है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे लाइम जूस, मैक्सिमम लाइम जूस। तो मैं 20 ml लाइम जूस दूंगा। आफ्टरऑल ये एक कॉकटेल है और इसको प्रॉपर तरीके से बैलेंस करना भी एक आर्ट है, तो मैं यहाँ पर अराउंड 15-20 ml लाइम जूस दूंगा। तो ये दो लाइम मैंने काट लिया है तो इसको मैं अगर स्क्वीज कर दूंगा तो कम से कम 15 ml तो हो ही जाएगा। चलिए स्क्वीज करते हैं। चलिए, लाइम जूस हो चुका है। अब इसमें आपको डालना है जिन। बाय द वे, आप अगर वॉडका से बनाना चाहते हैं तो भी बहुत मस्त बनता है। मैंने तो वॉडका से ही बनाया था, बैक टू बैक वॉडका कॉकटेल सारा, तो मैंने सोचा यार जिन से बना देते हैं। और जिन से बनाने के बाद मुझे इतना फैंटास्टिक लगा क्योंकि जिन में कुछ बोटानिकल्स होता है जो इसके साथ रिएक्ट करके एक अमेजिंग टेस्ट देता है। तो आपको जिन कितना देना है, अगेन 45 ml। आप चाहे तो 60 भी दे सकते हैं, अगर आप चाहे तो 30 भी दे सकते हैं, डिपेंड ऑन यू हाउ स्ट्रॉन्ग यू वांट। बट मैं बोलूँगा कि 45 आपको परफेक्ट बैलेंस देता है। तो चलिए 45 ml डाल देते हैं। अब जैसे कि ठंडा कोई ड्रिंक्स हो तो सबसे मज़ा आता है, तो इसको ठंडा बनाने के लिए मैं थोड़ा आइस डाल दूंगा और उसके बाद मैं इसको प्रॉपर तरीके से शेक कर लूंगा। तो लेट्स शेक। ये देखिए कितना चिल्ड हो गया है। और अभी इसको हम लोग एक फैंटास्टिक ग्लास में डाल देंगे। तो ये है वो ग्लास जहाँ पर हम लोग इसको पोर कर देंगे। आप चाहे तो फाइन स्टेन कर सकते हैं, मतलब एक अच्छा स्ट्रेनर लगा के, बट मैं थोड़ा थोड़ा पार्टिकल रखना चाहता हूं तो मैं ऐसे स्टेन कर दूंगा। अब इसमें लॉट्स ऑफ आइस। अब ये जो थोड़ा सा जगह बचा है इसमें आपको पोर करना है सोडा। आप आराम से सोडा को पोर कर लीजिए। आप अगर मीठा पसंद करते हैं तो आप स्प्राइट भी पोर कर सकते हैं, बट मैं सोडा डालूंगा क्योंकि ये जो रोज सिरप है काफ़ी मीठा है और ये जो सोडा है इसमें कोई भी मिठास ना होने के कारण बहुत अच्छा ये बैलेंस करता है आपका कॉकटेल को। तो इसको थोड़ा सा स्टर कर लेते हैं, स्ट्रॉ से कर लेते हैं। ओके, तो ये बन गया आपका ड्रिंक। बट फाइनल जो टचअप है वो है कि आप इसमें एक रोज़ दे देंगे तो बहुत अच्छा बन जाएगा। तो मैं एक जुगाड़ करके लाया एक रोज़, यू नो खराब हो चुका है बट फिर भी चलेगा यार, कम से कम काम तो चल जाएगा। ये रहा वो रोज़। चलो
अब आपका कॉकटेल कंप्लीटली तैयार हो चुका है एंड कॉकटेल का नाम है गेट सम रोज फॉर मी। कैसा लगा ये कॉकटेल? होपफुली अच्छा ही लगा होगा। बाय द वे एक बार टेस्ट तो कर लूं कि कैसा लग रहा है मुझे। रोज सिर्फ इतना डोमिनेटिंग है कि क्या बताऊं, और साथ साथ वो जो सारा बोटानिकल्स है जैसे जूनिपर का टेस्ट जिनमें जो रहता है वो, उसके साथ साथ बोटानिकल्स का नोट, एंड काफी अमेजिंग बना है ये कॉकटेल। मुझे लगता है कि ये आराम से आप घर में बना पाएंगे, बहुत सिंपल है। तो घर में बनाइए और मुझे लिखिए कि आपको ये कॉकटेल कैसा लगा। अगर सच में अच्छा लगता है, सच में, तब जाके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को। मिलेंगे बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, एल्कोहल इज इंजीरियस टू हेल्थ। टाटा।